मैडम से बातचीत किए हैं तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज के बारे में बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। काफी दोनों हम लोग मिले हैं और भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रेस्पॉन्स पूरे देश में है और हम एक हैं हम लोग। और सोनिया जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। 64 के जी जो चुनाव होने वाला है 24 मैडम ने कहा है कि हम हमारा संगठन का अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, 17-12 दिन के बाद हम आप लोगों से फिर मिले रहे और नया जो प्रेसिडेंट आएंगे जो भी हो तो उनको सबको बैठा करके हम लोग इकट्ठा बात करेंगे। और सहमति है, भाजपा के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार रही है और देश तानाशाही के तरफ जा रहा है, कहीं भी समस्या का समाधान नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे सारे देश भर के विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया, घेरवाया, इससे कोई डरने वाला नहीं है। और हम लोग यही बात किया है और हम लोग फिर उनसे मिलेंगे